और यहाँ पर बात करते हैं बड़ी खबर की। टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बार काशिफ खान सामने आया। काशिफ खान ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया है। काशिफ का दावा, बतौर कस्टमर टिकट लेकर क्रूज पर मैं गया था। नवाब मलिक ने काशिफ को बताया है क्रूज पार्टी का आयोजक। नवाब मलिक ने काशिफ को बताया समीर वानखेड़े का दोस्त और काशिफ की तरफ से कहा गया कि नवाब मलिक बिना जाने गलत आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज खुद नवाब मलिक ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस आरोप के अंदर उन्होंने कहा कि आपने जो क्रूज पार्टी थी वो ऑर्गेनाइज की थी, आप फैशन टीवी के इंडिया हेड हैं, इसके बारे में आपकी सफाई क्या है? क्या आप उस दिन क्रूज पार्टी के अंदर शामिल थे? क्या आप वहां पर मौजूद थे? शामिल था, मैं मौजूद था, मैं गया था, मैंने अपना टिकट खुद खरीदा, मैंने अपना खुद किया है, मैंने इसके रिसीट्स इनवॉइसेस मेरे पास है। जो मैं बोलूं तो मैं उसके आने का रेडी हूं। मैं एक खुद ये क्रूज शिप पे एक कस्टमर, एक क्लाइंट की तरह गया था। ये बताइए, उस वीडियो में जो नवाब मलिक ने जारी किया है, उस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नवाब मलिक बार बार आपके बारे में बोल रहे हैं कि एक दाढ़ी वाला शख्स वहां पर मौजूद था। प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे थैंक यू काशिफ जी, थैंक यू टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे काशिफ, जिनके ऊपर आज खुद नवाब मलिक ने आरोप लगाए, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि क्रूज पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ ही थे, और काशिफ उस रात क्रूज के ऊपर भी मौजूद थे। तो इस तरीके के आरोप नवाब मलिक की तरफ से आज लगाए गए, जिनका साफ तौर पर जो काशिफ खान है उन्होंने टीवी 9 नेटवर्क पर आकर अपने पक्ष को रखा, अपने आज उन्होंने इस पर जो नवाब मलिक के आरोप थे उन पर जवाब दिया। कैमरामैन राजू यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई। तो ये बातचीत आपने सुनी, टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बार काशिफ खान का बयान सामने आया और साफ लफ्जों में कहा कि देखिए यहां पर मैं कस्टमर बनकर गया था, मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी, ये बड़ी बात उसने कही है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, यहां तो सीधे सीधे नवाब मलिक के जो आरोप है उसको नकारता हुआ काशिफ नजर आया है, क्या ये इस मामले को और ज्यादा दिलचस्प नहीं बना रहा है, और ज्यादा कड़ियां इसमें नहीं जुड़ रही हैं? क्योंकि काशिफ ने तो कह दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्हें शायद किसी बात से गलतफहमी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए काशिफ खान सबसे पहले एक्सक्लूसिव टीवी 9 भारतवर्ष के सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरीके से सुबह नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान ने ये ड्रग पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इसके अलावा तमाम तरीके के आरोप काशिफ खान के ऊपर लगाए गए। ये भी बोला गया था दो दिन पहले कि एक दाढ़ी वाला शख्स है, उसकी पहचान होनी चाहिए, और आज मैं उस और आज के दिन उन्होंने सुबह ये डिक्लेयर कर दिया था कि आज उस दाढ़ी वाले शख्स की पहचान मैं दुनिया के सामने लेकर आऊँगा। और बाद में उन्होंने तमाम आरोप
आरोप कासिफ खान के ऊपर लगाए। कासिफ खान ने टीवी 9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जिसमें कासिफ खान ने यह बात साफ तौर पर कबूल की कि मैं शिप के ऊपर मौजूद था, लेकिन एज एन कस्टमर, यानी कि कस्टमर की तरह मैं उस पर गया था। जितेंद्र, आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की वो सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने दिखाई, और कासिफ खान जिस पर आरोप लगे थे उसने साफ लफ्जों में कहा कि कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो कस्टमर बनने गया था, इस मामले की जांच एजेंसियां करें, सच सामने आ जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।